बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बड़े पद को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से राज्यसभा में कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कहा जा रहा था कि वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। चर्चा में जो नाम था उसमें उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद कहा जाने लगा कि अब नकवी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वो मोदी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री थे। आपको बता दें कि तमाम यहां पर सवाल हैं कि कौन से पद पर बीजेपी इनको बैठाती नजर आ सकती है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से अब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल पद खाली हो गया है। फिलहाल मणिपुर के गवर्नर गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नकवी को बंगाल गवर्नर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस पद के लिए और भी नाम रेस में हैं, जिसमें केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम चर्चा में है। अभी आरिफ मोहम्मद खान अकेले मुस्लिम गवर्नर हैं। इन चर्चाओं के बीच पिछले दिनों बीजेपी के दिल्ली से सांसद हंसराज हंस ने ट्वीट कर नकवी को पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनने की बधाई भी दे दी थी। इसके बाद नकवी ने ऐसी कोई जानकारी होने से इनकार किया, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया। आपको बता दें कि ये भी चर्चा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पहले भी बीजेपी ने जिन नेताओं को कैबिनेट से हटाया उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी है। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी हर राज्य में खुद को मजबूत करने में जुटी है। खासकर बीजेपी उन राज्यों पर फोकस कर रही है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली थी। हाल ही में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं से नए सामाजिक समीकरण तलाशने और मुस्लिम समाज में पिछड़ा वर्ग पर फोकस करने को कहा था। नकवी को मुस्लिम समुदाय को बीजेपी के पाले में लाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व मंत्री को कश्मीर में संगठन को मजबूत करने तथा मुस्लिम समाज के बीच बीजेपी की नीतियां पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दी है। इस साल के आखिर में जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे तो साथ ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब जो चुनाव होगा वो आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा। पहले जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विधानसभा की कुल 87 सीटें थीं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। नए परिसीमन के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई है, जिसमें जम्मू में 43 तथा कश्मीर में 47 सीटें हैं। जम्मू में तो बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन कश्मीर में खस्ता हाल है। ऐसे मुख्तार अब्बास नकवी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या मोदी कैबिनेट में आने वाले वक्त में मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी को कोई बड़ा पद दिया जाता है या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन पर फैसले को रोक लगा दी जाएगी, उन पर लिए फैसलों को लेकर रोक लगा दी जाएगी, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ अलग ही एजेंडे के साथ जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती नजर आए भारतीय जनता पार्टी। ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।